Hello and welcome to the Attitude Updates. I am Turagaran. Today we are discussing about a very important topic regarding salary sheet या salary dashboard आप इसे बोल सकते हैं. Employers हमारे demand करते हैं कि भाई हमें एक ऐसा dashboard बना के दीजिए जिससे हम अपने employees की सारी salary calculate कर सकें, उनको कितना overtime दे रहे हैं, कितना HR ले रहे हैं उनसे, मतलब उनका कितना पीएफ डिडक्ट हो रहा है, कितना टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, वो सारी चीजें कैलकुलेट कर सके. तो उसी को देखते हुए आज हमने ये क्लास रखी है. तो आई होप कि आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आने वाली सैलरी से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी. अगर फिर भी कोई बचती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम व्हाट्सअप नंबर अपना देंगे जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. एक्सेल का यूज करके कैसे हम सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं. तो ये पहले से मैंने कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कैसे लिख दिया है क्या. ये जस्ट सिंपल नॉर्मल एडिटिंग है. मैंने सीरियल नंबर लिए हैं, एम्प्लॉयर्स नेम लिए हैं, एम्प्लॉयर्स आईडी लिए हैं, डेजिग्नेशन लिए उनकी, और फर्स्ट फेब से लेके और मैंने लास्ट तक 28 फेब तक यहाँ पे लिखा हुआ है. लिखने में कोई बड़ी बात नहीं, आप सिंपल टेक्स्ट का यूज करके लिखना है ये, और कोई भी फॉर्मूला इसमें अभी मैंने नहीं लगाया है. तो ये जस्ट सिंपल एडिटिंग करनी है आपको, और पहली शीट पे आपको इस तरह का डिजाइन बना के रखना है. आप डिजाइन फॉर्मेटिंग एडिटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आप चाहें. उसके बाद सेकंड शीट डैशबोर्ड के नाम से मैंने बनाई है. तो डैशबोर्ड पे हम सारी कैलकुलेशन से रिलेटेड रखेंगे. अभी मैंने वही सारा डाटा यहाँ पे लिखा है, बस जो मैनुअली आपकी एडिटिंग है, ठीक है, मतलब जस्ट सिंपल आपको टाइप करना है कि बेसिक सैलरी उनकी कितनी थी, डेजिग्नेशन कितनी थी, एम्प्लॉयर आईडी कितनी थी, उनका एम्प्लॉयर नेम क्या था, ठीक है. बाकी सारे फील्ड्स मैंने ब्लैंक छोड़े हुए हैं, अभी मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की है. कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मूला यूज करके आपको कैलकुलेशन करनी है और नेट सैलरी आपको निकालनी है. और एट द लास्ट अगर आपको सैलरी स्लिप भी बनानी पड़े तो थर्ड शीट पे आप सैलरी स्लिप इस तरह की बना के रख सकते हैं. ये फॉर्मेट है, सिर्फ फॉर्मेट आप बना सकते हैं, किसी भी तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं. मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट आपको करना है. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अटेंडेंस शीट से कि भाई मुझे ना यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले लगाने हैं. आपको करना क्या है, बस आपको ऐसे सेलेक्ट करना है जहां तक भी आपकी अटेंडेंस शीट है वहां तक ये पूरा एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है. सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डाटा पे, डाटा वैलिडेशन. देखिए यहां पे डाटा वैलिडेशन आ रहा है और डाटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है. डाटा वैलिडेशन में क्लिक करके सेटिंग पे जाना है आपको. सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट लेना है. लिस्ट लेने के बाद आपको पी और ए के फॉर्म में अटेंडेंस लगानी है. अब बहुत से हमारे एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो यहाँ पे लीव भी लगाते हैं, तो यहाँ पे आप एल भी टाइप कर सकते हैं इस तरह से. लाइक मैंने अगर यहाँ पे एल भी लिखाना है तो मैं यहाँ एल लिख लूंगा, ठीक है. अगर आपको सिर्फ पी और ए दिखाना है तो यहाँ पे आप पी कोमा ए कोमा लिखेंगे, ठीक है. ये लिखने के बाद आप ओके कर देंगे. तो इससे फायदा क्या होगा, आपको हर बार 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 पी और ए नहीं देना पड़ेगा. यहाँ पे इस तरह से पी और ए बाय डिफॉल्ट आएगा. अगर आप चाहें तो ना भी लिखें, डायरेक्ट पी और ए आप अपने मैनुअली भी लिख सकते हैं. यहाँ पे सेलेक्ट करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. दूसरी चीज मैंने क्या की है, यहाँ पे होम में गया हूं मैं, इसी एरिया पे, इसी एरिया की बात कर रहे हैं अभी हम. होम पे गया हूं, यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैंने एक न्यू रूल बनाया. न्यू रूल में मैंने क्या किया मैं दिखा देता हूं आपको. यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, मतलब जिसमें कंटेंट है वो सिर्फ वो फॉर्मेट मैंने लिया है. यहाँ पे सेल वैल्यू ली है इक्वल्स टू एच ए आई जी जो भी है मेरी, वो मैंने यहाँ पे ले ली है. तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई मुझे पी कौन से कलर का दिखाना है, तो यहाँ पे पी के लिए मैंने ले लिया. जैसे मैं ए की बात कर लू, मैंने ए इक्वल्स टू रेड लिया है, तो मैंने ए का फॉर्मेट क्या रखा है, जहां पे भी ए लिखा जाए वहां पे रेड हो जाए. तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इक्वल लगा के ए लिखना है और यहाँ पे फॉर्मेट कलर इसका रेड लेना है. यहाँ से फॉर्मेट कलर चूज कर लेंगे और ए लेंगे. ऐसे ही दोबारा से एक और नया रूल लेंगे, फॉर्मेट ओनली सेल सेलेक्ट करेंगे, सेल वैल्यू लेंगे इक्वल्स टू पे पी ले लेंगे, देन फॉर्मेट कलर क्या लेंगे आप, ग्रीन लेंगे, ठीक है. तो उससे फायदा क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं. ये मैं चलो आपके सामने डिलीट कर देता हूं, ठीक है. और इसका फायदा क्या हुआ, जैसे ही हम यहाँ पे P या A सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, तो ये अपने आप ही रेड और अपने आप ही ग्रीन हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पे भी आप P लिखेंगे यहाँ देखिए मना कर देगा आपको. अगर मैनुअली लेंगे बस आपको यहां से सेलेक्ट करना है P और A, P और A, ठीक. अभी जो मना कर रहा है ये क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे डाटा वैलिडेशन में जाके, ठीक है,
एरर दे रखा है, ठीक है, कि एरर भैया ये दिखाए कि भाई पी और ए के सिवा कोई वैल्यू ना ले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब जब हमने यहाँ पे पी और ए लगा ली, अब सेंट और प्रेजेंट हमने यहाँ पे सारी लगा ली, ठीक है, ये ऐसे लगा ली मैं, चलिए प्रेजेंट भी लगा लेता हूँ कहीं कहीं पे, वरना तो ये होगा कि सारे एबसेंट हो गया भाई। तो यहाँ पे मैं कहीं कहीं पे प्रेजेंट लगा लेता हूँ, कहीं कहीं पे एबसेंट लगा लेता हूँ। चलिए पहले प्रेजेंट लगा देते हैं एक बार सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर प्रेस किया, दोनों साइड हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट और एबसेंट लगा लेते हैं, कितने दिन प्रेजेंट रहा कितने दिन एबसेंट रहा, वो यहाँ पे इस तरह से फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग ही आपको रेड कलर में दिखाएगा, तो आपको यहाँ पे पहचान रहेगी कि भाई कौन सा पी है कौन सा ए है। तो ये मैंने सारी भर ली यहाँ पे इस तरह से, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या लगाया है, फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट, ये रेंज सेलेक्ट किए यहाँ से, फर्स्ट फेब से लेके 28 फेब तक मैंने सेलेक्ट किया है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखा है, यानी मैं काउंट कर रहा हूं आपका पी को। तो पी यहां पे टोटल मेरी पी काउंट करके दे देगा कितनी पी आई है, ठीक है। अब टेकन लीव, लीव वाला कॉलम कितने दिन वो अब्सेंट है, वो यहां पे सेम मुझे यही फॉर्मूला लगाना है, COUNT काउंट, काउंट लगाना है आपको, काउंट इफ, ठीक है। मैं अभी आपको देखो आपके सामने सेलेक्ट करके दिखा देता हूं, ऐसे इसको सेलेक्ट करना है आपको, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्या काउंट करना है, ए काउंट करना है, क्योंकि मैं लीव्स काउंट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई लीव्स है ही नहीं उसकी, मैंने इसे ड्रैग कर दिया नीचे तक और कंट्रोल डी कर दिया, जो भी लीव्स दिखाएगा यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा। उसके बाद बात आती है ओवर टाइम की। अब ओवर टाइम हमें पता होना चाहिए, या तो हम एक चार्ट बनाए अलग से कि ओवर टाइम कितना किया है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओवर टाइम उसने घंटों में कितना किया है, ठीक है। इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि भाई इसने कितना कितना ओवर टाइम इन्होंने किया है, मुझे मैन्युअली पता है कि भाई कितना कितना इन्होंने ओवर टाइम यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। किसी ने 2 घंटे किया है, किसी ने 7 घंटे किया है, किसी ने 8 घंटे किया है, तो उस तरह से हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। जब मैंने इनका ओवर टाइम दिखा दिया तो अब ये वाली शीट तो मेरी हो गई है कंप्लीट, इसमें अब मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल शीट मेरी कंप्लीट हो गई, यानी परसेंट अपसेंट यानी पूरे महीने की मैंने लगा ली है, और मुझे अब इसमें और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। ये मैंने जितने भी यहां पे देने थे मैंने दे दिए, क्लियर है। अब क्या हुआ, अब मैं आ जाता हूं डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड में ये मैंने पहले से बना रखा है, पहला ही इसमें सिर्फ एडिटिंग है और कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला अभी मैंने नहीं लगाया, पुट नहीं किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एचआरए निकालने की। तो एचआरए किस बिहाफ पे निकालेंगे, हम मेट्रो सिटी के बिहाफ पे निकालेंगे। यहाँ पे मेट्रो सिटी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इक्वल टू 40 और 50%। मेट्रो सिटी में अगर आ रहा है तो मैं निकालूंगा 50%, और अगर नॉन मेट्रो सिटी में तो 40% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, मैंने एक कंडीशन चलाई है इफ की, इक्वल्स टू इफ मेट्रो सिटी सेल अगर इक्वल्स टू है किसके, यस के, ठीक है। तो यहां पे क्या हो, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 50%, ठीक है, 50%, और अदरवाइज क्या हो, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 40%, क्लियर है। तो हमने यहां पे दिया है कि अगर भाई मेट्रो सिटी सेल अगर यस है, यानी वो मेट्रो सिटी में रहता है, तो बेसिक सैलरी का 50% हो मल्टीप्लाई, अदरवाइज बेसिक सैलरी का वो 40% हो, ठीक है। ये मैंने यहां से ये जो छोटा सा बिंदु आ रहा है आपको दिख रहा होगा, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, तो ये सबका अपने आप कैलकुलेट कर लेगा इस तरह से। कर लिया इसने कैलकुलेट, सेम डीए देना है मुझे, डीए मैं नॉर्मली दे रहा हूँ, बेसिक सैलरी का मैंने कहा भाई 20% डीए है सबका, ठीक है, सबको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने, आप अपनी कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इधर कंडीशन लगाई, अगर आप किसी पर्टिकुलर को अलग देना चाहते हैं और किसी पर्टिकुलर को अलग, तो आप डिपार्टमेंट वाइज उनको अलग अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है ओवर टाइम आवर्स। अब यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स कहां से आएंगे, ओवर टाइम आवर्स आएंगे मेरे यहाँ अटेंडेंस शीट से, क्योंकि मैंने यहाँ पे भैया ओवर टाइम आवर्स निकाले हुए हैं पहले से, ठीक है। ये रहे मेरे ओवर टाइम आवर्स, ठीक है। तो ये यहां से मुझे यहाँ पे लाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इक्वल्स टू लगाना है। अगर आप सिंपली लाना चाहते हैं तो इक्वल्स टू लगाएं, ऐसे क्लिक करें, देन ब्रैकेट बंद कर दें, या फिर ब्रैकेट तो लगाया ही नहीं हमने, देन एंटर कर दें। उसके बाद आप क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी कर देना है, सबके ओवर टाइम आवर्स वहां से उठ के यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। तो देखिए दोनों शीट लिंक हो रही है मेरी, इसको कहते हैं डाटा को एक शीट से दूसरे शीट से पिक करना है हमें,
ठीक है। उसके बाद ओवरटाइम सैलरी निकालनी है। अब हमें ओवरटाइम सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने दिन कितने घंटे उसने ओवरटाइम किया है उसके बिहाफ पे, एक घंटे का हमें पता होना चाहिए। तो एक घंटे का निकालने के क्या करेंगे, इक्वल्स टू जो बेसिक सैलरी है उसको डिवाइड कर देंगे कितने आवर्स कितने दिन काम हुआ है उससे, यानी 28 दिन काम हुआ है तो 28 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। उसके बाद डिवाइड कर देंगे कितने घंटे आपकी कंपनी काम करती है, मैंने कहा 8 घंटे काम करती है तो 8 घंटे से डिवाइड कर देंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे कितने घंटे उसने काम किया, देन एंटर कर देंगे, इसकी ओवरटाइम सैलरी यहां पे निकल के आ जाएगी। इस पे डबल क्लिक कर दो, सबकी ओवरटाइम सैलरी निकल के अपने आप आ जाएगी। उसके बाद एब्सेंट डेज चाहिए, तो एब्सेंट डेज कहां से आएंगे, बिल्कुल राइट, अटेंडेंस शीट से आएंगे, कितने दिन की उसने छुट्टी ली है उस पर एंटर कर देंगे, देन यहां पे हमारे एब्सेंट डेज निकल के सबके आ जाएंगे डबल क्लिक कराते हैं। उसके बाद कट सैलरी निकालने, तो कट सैलरी कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी का डिवाइड कर देंगे 28 से, क्योंकि 28 दिन कंपनी में काम हुआ है। अब यहां पे डेज के हिसाब से निकाल रहे हैं तो डिवाइड 8 से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे हम एब्सेंट डेज से, इसको हम एंटर करेंगे। उसके बाद इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो सबकी हमारी कट सैलरी निकल के आ जाएगी। उसके बाद पीएफ की बात कर लेते हैं, पीएफ जो है हमारा बेसिक सैलरी का 12% है, तो मल्टीप्लाई बाय 12% यहां पे दे देंगे, देन एंटर। उसके बाद इसको भी ड्रैग ऐसे ही करना है आपको, सिंपल ये आपको ड्रैग हो गया। अब टीडीएस के लिए कंडीशन है, पैन कार्ड है तो भाई 10% डिडक्ट होगा, पैन कार्ड नहीं है तो 20% डिडक्ट होगा। तो यहां पे सेम मैं इफ की कंडीशन चला रहा हूं, इफ बेसिक सैलरी सॉरी इफ अगर पैन कार्ड इक्वल्स टू है इन्वर्टेड कॉमा यस, तो क्या हो, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%, अदरवाइज बेसिक सैलरी अदरवाइज क्या हो कि बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 20%, देन ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। उसके बाद इसको मैंने यहां से किया ड्रैग, ये आ गई मेरी टीडीएस। अब नेट सैलरी निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए क्या प्लस करते हैं और क्या माइनस करते हैं। मैंने कहा बेसिक सैलरी प्लस करना है, प्लस एचआरए प्लस करना है उसमें, प्लस टीए प्लस करना है, प्लस ओवरटाइम सैलरी प्लस करनी है, और माइनस क्या करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा लेंगे, उसमें से माइनस करना है पीएफ सॉरी कट सैलरी प्लस पीएफ प्लस टीडीएस, ये तीनों चीजें मुझे माइनस करनी है, देन ब्रैकेट बंद एंटर। इसकी नेट सैलरी निकल के यहाँ पे हमारे पास आ गई है, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड तैयार। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्लिप की, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर बंदे को बस एम्प्लॉय आईडी डालूं और उसकी सैलरी तैयार हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए भाई, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल्स टू INDEX इंडेक्स, इंडेक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैंने कहा इक्वल्स टू इंडेक्स एरे, सबसे पहले मांग रहा है एरे, तो एरे क्या है मेरा, एरे है मेरा यहां पे, ये है मेरा एरे, इन दोनों कॉलम को ले लेते हैं, बस इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें, बाकी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। इसको कर देता हूं मैं फ्रीज, ठीक है। उसके बाद कॉमा, अब रो नंबर मांग रहा है, तो रो नंबर में क्या मिलेगा मुझे, रो नंबर में मुझे चाहिए इंप्लॉयर्स आईडी, तो यहां पे वापिस आ जाते हैं हमारी सैलरी शीट पे, तो इंप्लॉयर आईडी को ले लेते हैं यहां से। देखिए पहले ना मैं सिंपल दिखा देता हूं आपको, जैसे टू और टू चाहिए, देन ब्रैकेट बंद एंटर, तो यहां पे टू और टू में जो भी होगा वो यहां पे दिखा देगा, तो मगर मुझे तो ये टू और टू मैनुअली दे रखा है, इसको पर्टिकुलर चाहिए, तो यहां पे हम मैच लगाएंगे, तो इंडेक्स के साथ मैच, मैच ब्रैकेट क्या चाहिए, क्या ढूंढना है, मैंने कहा भाई ये ढूंढे, इसको कर देता हूं फ्रीज, ठीक है। ये कहां पे ढूंढना है अब ये भी पता होना चाहिए मुझे भाई, तो ये कहां ढूंढना है, यहां ढूंढना है डैशबोर्ड में, कहां पे, यहां से लेके और नीचे तक, ठीक है। इसको भी कर देता हूं फ्रीज, कॉमा जीरो, एग्जैक्ट मैच, देन ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिया, अब भी आ गया। अब एक और टू रह गया मैनुअली, इसको भी हटा देंगे, यहां पे भी क्या करेंगे, मैच लगाएंगे, तो मैच यहां पे क्या चाहिए, यहां पे चाहिए बेसिक सैलरी, तो भाई नहीं सॉरी एम्प्लॉयर नेम चाहिए, तो एम्प्लॉयर नेम यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, इसको कर दिया फ्रीज, कॉमा, एम्प्लॉयर नेम आपको कहां मिलेगा, एम्प्लॉयर नेम मिलेगा आपको इस शीट में, यहां से यहां की फॉर्म में, इसको भी कर दिया फ्रीज,
देन कॉमा जीरो ब्रैकेट वन एंटर। देखिए अब इस एम्प्लॉयर आईडी का पर्टिकुलर नाम निकल के आ गया है, बस एक बार आपको फॉर्मूला लगाना है। अब जो भी एम्प्लॉयर आईडी यहाँ पे ढूंढेंगे उसका नाम अपने आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब बेसिक सैलरी के लिए आपको कुछ नहीं करना, बेसिक सैलरी इक्वल्स टू यहाँ पे वी लुकअप लगा लो सीधा, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉयर आईडी के हिसाब से ढूंढ रहे हैं, उसको कर दिया फ्रीज, या मत भी कीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेसिक सैलरी एम्प्लॉयर आईडी के हिसाब से, तो यहाँ पे ये शीट पूरी सेलेक्ट कर लीजिए इतनी, ठीक है कॉमा। अब बेसिक सैलरी कौन से सेल में आपको ये पता होना चाहिए जहां से आपने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे एक दो तीन थर्ड पे, अभी मैं मैनुअली दिखा रहा हूँ आपको, तीन नहीं तो आप मैच लगा सकते हैं यहाँ पे, कॉमा जीरो देन ब्रैकेट वन एंटर, इसकी बेसिक सैलरी निकल के यहाँ पे आ जाएगी। अब करना कुछ नहीं है, बस आपको इसको ऐसे फॉर्मूले को सेलेक्ट करना है, ठीक है कॉपी, और यहाँ पे सेम एज इट इज इसको पेस्ट कर देना है, और तीन की जगह डीए कौन से सेल में आ रहा है वहां वो आपको बताना है, कौन से कॉलम में आ रहा है। मैंने कहा फिफ्थ में आ रहा है, चलिए देख लेते हैं फिफ्थ में ही है क्या। यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांच पे आ रहा है बेसिक सैलरी वाला, उसके बाद चार पे आ रहा है एचआरए, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है सेकंड नंबर पे एचआरए, तो बस इसे सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल डी कीजिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे तो ठीक है, जो हमने यहां से कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, इसके आगे लगा देता हूँ इक्वल, ये सेम फॉर्मूला हो गया जो भी वहां पे लिखा था, बस यहाँ पे चार लिखना है आपको, तो इसका एचआरए आ जाएगा। अब ओवर टाइम सैलरी निकालना है तो फिर वापस इक्वल्स को लगाइए, पेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई ओवर टाइम सैलरी कितने नंबर पे आ रहा है, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पे ये, छठे सातवें पे आ रहा है, ओवर टाइम सैलरी यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अब सब टोटल निकालना है, तो सब टोटल इक्वल्स टू सैलरी प्लस डीए प्लस ओवर टाइम सैलरी प्लस आपका एचआर, ये सारे जोड़ देंगे आप तो यहाँ पे आपका टोटल सैलरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, सब टोटल आ गया, इसको ही आप यहाँ पे रख लें इक्वल्स टू ये एंटर, ये आपका आ गया। उसके बाद पीएफ चाहिए तो पीएफ के लिए भी आप सेम फॉर्मूला इक्वल्स टू कंट्रोल वी कर दीजिए। अब पीएफ आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है, आठ नौ दस पे आ रहा है, तो यहां से आप 10 ले लेंगे, तीन की जगह आपने क्या करना है 10 करना है सिर्फ, तो पीएफ आ गया। उसके बाद कट सैलरी, फिर वही सेम फॉर्मूला पेस्ट, एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूं देखिए हर जगह। कट सैलरी कहां पे आ रहा है मेरा, आ रहा है नाइन्थ पे, तो यहां से 9 ले लेंगे, तीन की जगह आपको करना क्या है 9, देन एंटर, फिर एक बार और कंट्रोल वी, देन 10 पे तो था हमारा पीएफ और टीडीएस था 11 पे, देन एंटर, ये आ गया। अब टोटल डिडक्शन निकालनी है तो इक्वल्स टू ये प्लस ये, देन एंटर, ये आ गई हमारी डिडक्शंस। उसके बाद अब आपको नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है तो इक्वल्स टू ये प्लस आपका ये, देन माइनस कर देंगे इसमें से आपका डिडक्शन, देन एंटर, ये आ गई आपकी नेट सैलरी निकल के। ठीक है, इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं राउंड ऑफ, RUND राउंड, ठीक है ब्रैकेट ये पूरा नंबर्स कॉमा जीरो राउंड कर देता हूं, देन ब्रैकेट बंद एंटर, तो पॉइंट के बाद ही जितने भी प्लेस होंगे सारे एंटर होंगे। तो देखते हैं वी लुकअप, ठीक है इसके हिसाब से हमें चाहिए अटेंडेंस डाटा, ले लेंगे हम यहां से हमारा यहां तक पूरा, देन कॉमा 27 नंबर पे हमारा लिखा हुआ है प्रेजेंट अब्सेंट, देन जीरो ब्रैकेट वन एंटर, तो ये आगे टोटल अटेंडेंस हमारी। टोटल लीव निकालनी है, सेम फॉर्मूला लगा देंगे आप, यही जो फॉर्मूला है आपने यहां लगाया है इसी को आप कॉपी कर लीजिए, इसको मैं कर देता हूँ फ्रीज ताकि कॉपी करने में दिक्कत ना आए, साथ में इसको भी कर देता हूँ फ्रीज, अब कर लेते हैं इसको कॉपी, यहां से उठा लीजिए इसे कॉपी, उसके बाद यहां पे लाके पेस्ट, दो वे इक्वल 27 की जगह आपको करना है 28, तो टोटल लीव निकल के आ जाएगी। ये हो गई आपकी कंप्लीट सैलरी शीट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा
कैसे हमने शीट्स बनाई हैं, तो सैलरी शीट का डैशबोर्ड कैसे मेंटेन हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।